हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 8 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम देखते हैं जैंग उसे मना कर देता है, बोलता है कि मैं अभी भी कलर नहीं देख सकता हूँ, पर मैं बचपन में देखा हुआ कलर मुझे याद है, वो आज तक नहीं भूल पाया है। फिर जैंग अपना आंख बंद करके अपने बचपन का अच्छा वाला मोमेंट याद करने लगता है कि वो लोग कितने अच्छे हैप्पी फैमिली थे। जहाँ पर चैंग भी बताती है कि जब वो अपने मॉम के बारे में बताती है कि जब बचपन में उसकी मॉम उसको छोड़कर चली गई थी, वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस करती है। फिर वो जैंग के शोल्डर पर अपना सर रख के सो जाती है। फिर बाद में हम देखते हैं जैंग जू जैंग मियाओ को एक पेंडेंट गिफ्ट करता है। फिर जैंग मियाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जैंग जू उसके अपने हाथों से पेंडेंट उसको पहनाता है। जैंग मियाओ शर्मा कर उसे हक कर लेती है और चैंग के डैड छिप कर चैंग ली से फोन कर ही देते हैं चैंग को। वो बात कर ही रहे थे तभी उसकी सिस्टर आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसको मना करने के बाद भी उसको डैड चैंग को कॉल कर ही दिए हैं। फिर चैंग ली अपने डैड से फोन लेकर अपनी सिस्टर से बात करती है। फिर वो लोग फोन रख देते हैं। इसके बाद चैंग मियाओ फिर वो चैंग के रूम में जाती है और बोलती है कि अभी मैंने अपनी सिस्टर और डैड से बात की हूँ। फिर उसके साथ थोड़ा शरारत करती है और फिर बोलती है क्या मैं तुम्हारे लिए चेंज कर दूँ। जैंग को तो समझ में आ ही गया था तो वो भी स्टार्ट कर देता है। वो बोलते है श्योर चेंज कर दो। फिर उसको धीरे धीरे उसको कुछ ज्यादा ही क्लोज जाने लगता है, जिससे चैंग थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और डर भी जाती है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं सभी ऑफिस में मीटिंग कर रहे होते हैं। मिस लीजा एक न्यू शो का बताती है जिसमें कुकिंग कॉन्टेस्ट रहता है। उसमें चैंग ली भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज अपना देती है, जिससे मिस लू बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे शो होस्ट करने के लिए बोलती है। पर मिस लीजा बोलती है कि मैं करना चाहती हूँ, पर उसे मिस ली डांट कर चुप करा देती है, जिससे मिस लीजा बहुत ज्यादा गुस्सा करती है मन ही मन में। फिर वो लोग लिफ्ट से जाते रहते हैं, तभी लिफ्ट का लाइट चले जाता है, लिफ्ट एकदम से बंद हो जाता है। तो चैंग की सिस्टर अंधेरे से डरती थी इसलिए बहुत ज्यादा घबरा जाती, उसका तबीयत भी खराब होने लगता और ये सब मिस लीजा देख रही थी। उसको तो पॉइंट मिल गया था। मिस सू उसको संभालते बाहर लेके जाते हैं। फिर थोड़ा देर बाद हम देखते हैं मिस सू और मिस चिंग डांस करते हैं। मिस चिंग को बचपन से डांस करना बहुत पसंद था। फिर लोग डांस करते कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। मिस सू उसको किस करने जा ही रहे थे तभी चैंग पीछे हट जाती है, जिसकी वजह से मिस सू एंबैरस्ड फील करते वहां से पानी लेने के लिए चले जाते हैं। फिर थोड़ा देर बाद लाइट ऑफ हो जाते हैं और कोई डोर उसको लॉक कर देता है, जिससे चैंग ली बहुत ज्यादा डर जाती है। काम कोई और नहीं मिस लीजा की रहती है जलेसी के कारण। आप मिसेस सू आते हैं चैंग जी को बचा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैंग चू एक क्यूब ली हुई थी जो उसका बचपन का था जैंग चू का। तो जैंग चू देखता है कि क्यूब जब जैंग ली रहती है तो कलरफुल दिखता है, जब वो अपने हाथ में लेता है तो कलरफुल नहीं दिखता है, मतलब जैंग चू जो चीज छू रही थी वो कलरफुल हो गया था। और फिर उसे क्यूब सॉल्व करने में हेल्प करता है और उसे ये भी बोलता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, और इमोशनल होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं चैंग चू जैंग या को ग्रिड यार्ड लेकर आता है और वहाँ पे अपने मॉम डैड से मिलवाता है, उसे उन्हें बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद वो लोग जब वापस जा रहे थे चैंग मियाओ को बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था तो जैंग उसको अपना कोट से ही कवर कर लेता है। उसके डैड और सिस्टर भी चैंग का ही वेट कर रहे होते हैं। जब जैंग चैंग का सी ऑफ करने के लिए आता है, जब उसको बाय करने के लिए, तभी चैंग के डैड गेट खोल देते हैं। उन्हें ऐसा देखकर अपना फेस डोर की तरफ कर लेते हैं, उनका सर डोर से टकरा जाता है। यह देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। चैंग उसे जल्दी से फोरहिट करता है, वहाँ से चला जाता है। फिर चैंग अपने डैड को चेक करती है। फिर वो दोनों सिस्टर आपस से बात करते हैं और बहुत इंजॉय भी करते हैं। फिर इसके बाद हम रात में देखते हैं चैंग को फिर से जैंग का कॉल आता है। वो दोनों साथ में दो दिन बिताए थे तो वो एक दूसरे का कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए थे। अब वो दोनों वीडियो कॉलिंग वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और बोलते हैं कि एक दूसरे को मिस कर रहे हैं और दोनों कल मिलने का प्लान भी करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम ऑफिस में देखते हैं मिस्टर सू मिस लीजा को बुलाते हैं और उसको कल वाला हरकत की वजह से डांटते भी हैं और उसे माफी मांगने को भी कहते हैं। फिर मिस लीजा चैंग ली से माफी भी मांगती अपने हरकत के लिए, वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चैंग और जैंग शॉपिंग पर आए होते, वो अपना घर का डेकोरेट चेंज करना चाहते थे। वो चैंग जिस चीज पर से जाती थी वो चीज उसका कलरफुल दिखने लगता था जैंग को, इसका मतलब उसका कंडीशन थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा था, जिसके वजह से जैंग बहुत ज्यादा खुश था। जैंग मियाओ की वजह से उसका तबीयत काम में काफी सुधार हो रहा था और वो लोग मिलकर खाना भी खाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं उन लोग का सेकेंड राउंड का मैच आ गया होता है, वो दोनों वो लोग मैच खेलने लगते हैं और एटलीस्ट ये राउंड भी हमारा हीरो चैंग चू ही जीत जाता है। ऐसे ही होते होते चार राउंड होता है जिसमें चारों राउंड में याहू हार जाता है और चैंग चू जीत जाता है। फिर हम देखते हैं रात में जैंग अपने डैड से बात कर रहा था
और उसके डैड उसको वापस बुला रहे थे, पर जैम वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो गो गेम सीखे बिना नहीं जाना चाहता था। फिर उसके डैड कुछ पैसा उसको सेंड करते हैं जिससे जेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं जेंग जू का मैच रहता है, पर उसका तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहता। यह देख के चेंग मियाओ कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाती है। चेंग बोलता है चेंग को, तुम मेरे लिए टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ राउंड स्टार्ट हो गया होता है। इसी तरफ हम देखते हैं चेंग की फ्रेंड उसको बताती है, लगता है कि चेंग को किसी चीज से एलर्जी हो गया है। फिर उसकी फ्रेंड चेंग को एलर्जी वाला मेडिसिन देती है, पर चेंग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेडिसिन चेंग तक कैसे भिजवाएगी। और चेंग इधर बेचारा इतना तबीयत खराब था, कोई गेम भी उसे नहीं खेला जा रहा था, इसका फायदा यही उठा रहा था। चेंग तो कैमरा की तरफ देख के बोल रही थी, गेम मत खेलो, स्टॉप करो, वो लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। फिर इसके बाद चेंग जल्दी जल्दी भागती हुई जाती है और चेंग को किसी के हाथ के थ्रू उसका मेडिसिन भिजवाती है, एलर्जी वाला मेडिसिन भिजवाती है। जेंग तो पहले चेंग की तरफ देखता है, तो चेंग बोलती है मेडिसिन ले लो इशारे से, तो मेडिसिन ले लेता है और चेंग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर चेंग वो गेम खेलने के लिए चला जाता है, वो लोग गेम फिर से स्टार्ट होता है और ये गेम एट द एंड हमारा हीरो जीत जाता है। योकि यह मैच हारने पे बहुत ज्यादा अपसेट होता है। इतना तो पता चल गया था कि चेंगजू को गेम में हराना आसान बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चेंग के डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं चेंगजू के जीतने पर, और चेंग भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका मास्टर जो था। दूसरी तरफ हम देखते हैं डोजो में जो मेंबर रहते वो भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मैच जीतने के बाद चेंगजू चेंग मियाओ को सिर्फ इंटरव्यू देता है। और दूसरी तरफ हम रेस्टोरेंट में देखते हैं चेंग और चेंग के फादर, वो लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे चेंग उसके सन इन लॉ जीतने की वजह से। फिर हम देखते हैं चेंग मियाओ चेंगजू को बोलती है कि उसके डैड डिनर के लिए उसको इनवाइट किए हैं। जैसे ही चेंगजू उसको किस करने जा ही रहा था, तभी वो पिल्लों की वजह से वो छींकने लगता है क्योंकि उसको पिल्लों से एलर्जी था, जिसकी वजह से चेंग हंसने लगती है। फिर वो दोनों चेंग के फादर के पास जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि चेंग को चेंग का फादर कुछ सामान लाने के लिए भेजे थे, पर कुछ बच्चों को गो गेम खेलता हुआ देखता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता, वो भी उनके साथ गो गेम खेलने लगता है। फिर जैन एक बच्चे को पैसा देकर चेंग का फादर को सामान देने के लिए बोलता है। चेंग का फादर भी चेंग का ही वेट कर रहा था। फिर वो बच्चा को देखता है सामान लेते आते हुए। जैसे ही वो बच्चा सामान देने जाता है, तभी तेजी से कार उसके तरफ आते रहता है। तभी चेंग के फादर उस बच्चे को बचाने में कार उनको हिट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि चेंग मियाओ की उसके सिस्टर कॉल करके हॉस्पिटल में आने को बोलती है। फिर वो लोग मिलकर हॉस्पिटल जाते हैं। चेंग के फादर को सभी डॉक्टर चेकअप करने के लिए ले जा रहे होते हैं, तभी चेंग जो को अपने पेरेंट्स वाला सीन उसको याद आने लगता है। उधर चेंग बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था, वो जा रहा था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कुछ चेंगली उसे हॉस्पिटल से निकाल दी थी। पास से बहुत ज्यादा सैड होता है, वो अपने आप को ही ब्लेम करता है जो चेंग के फादर के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था। इसी तरफ हम देखते हैं चेंग के फादर को होश आ गया होता, तभी वहाँ पे पुलिस भी पहुंच जाते हैं और उनको बताते हैं कि वो कार ड्राइवर को अभी तक नहीं पकड़ पाए जो उनको हिट किया था। फिर चेंगजू उस कार ड्राइवर को पकड़ने में हेल्प करने में लग जाता है। फिर हम देखते हैं चेंग चेंग को प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है, पर चेंग बोलता है कि मेरे लिए अभी तुम्हारा फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात को सुनकर चेंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो चेंग को हग कर लेती है। फिर हम देखते हैं रात में साहिल लीन और मास्टर साइन के बेटे चेंग का डैड को हालचाल पूछने के लिए आए रहते हैं। फिर वो लोग जाते रहते हैं, तभी एक स्ट्रेंजर आता है और कोई उस वार्ड के बाहर कुछ पैसे रख कर चले जाता है, पर वो लोग पैसे लेने को तैयार नहीं होते। फिर इसके बाद चेंग जो बाहर निकलता है तो इंटरव्यू देता है और बोलता है कि जो भी मुजरिम है वो अपने आप को सो करे, छिप कर ना रहे। हम देखते हैं कि याओकी चेंग के घर पे आता है, उसे कुछ देर के लिए मैच पोस्टपोन करने के लिए बोलता है, पर चेंग नहीं मानता है तो याओकी गुस्सा होकर वहां से चले जाता है। फिर हम देखते हैं चेंगली चेंग के पास आती है, उसे रेस्टोरेंट छोड़कर जाने को कहती है। यह बात सुनकर चेंग बहुत ज्यादा गिल्टी फील और करने लगता है। हम लोग देखते हैं रात में वो लोग न्यूज देख रहे होते हैं कि जो चेंग के डैड को हिट किया था वो मुजरिम पकड़ा गया है, पर मुजरिम के डैड जो रहते हैं वो चेंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, उसे रिवेंज लेने को भी बोलते हैं, पर चेंग उनके बातों पर ध्यान नहीं देता है। फिर चेंग उसे कल वाला मैच को ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं वो लोग का मैच स्टार्ट होता है, राउंड रहता है वाला मैच बहुत ही तगड़ा रहता है, एक दूसरे का अच्छा कंपटीशन देते हैं, पर लास्ट में हमारा हीरो ही जीत जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चेंग के डैड भी हॉस्पिटल से उन लोग का मैच देख रहे होते हैं। चेंग मियाओ भी बहुत ज्यादा सीरियस होकर ये मैच देख रही होती है। लास्ट में चेंग जो ये मैच जीत जाता है,
यह देखकर याकी बहुत ज्यादा शॉक में होता है और वहीं पर चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। फिर सभी लोग मिलकर उसे काम डाउन करते हैं। फिर हम जैंग को देखते हैं, याको का बहुत तारीफ करता है उसके इतना अच्छा कॉम्पिटिशन देने के लिए। फिर याको वहाँ से फेस बनाकर चले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डोजो के फैमिली भी डिस्कस कर रहे थे याको को हारने का, उनको बहुत ज्यादा अफसोस होता है। तो डिसाइड करते हैं कि याकी जब भी डोजो में आएगा कोई भी वो मैच के बारे में बात नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं जैंग जब ऑफिस जाती है तो उसकी फ्रेंड कू के कॉम्पिटिशन के बारे में बताती है। फिर हम इसके बाद देखते हैं जैंग की सिस्टर कुकिंग कॉन्टेस्ट को लेकर प्रेजेंटेशन दे रही होती है। चैंग अपने ख्याली दुनिया में खो गई, वो अपने आप को सेल्फ इमेजिन कर रही थी, वो कॉम्पिटिशन जीत चुकी है। जब उसकी फ्रेंड बुलाती है तो अपना इमेजिनेशन वाले दुनिया से बाहर निकल जाती है। फिर देखते हैं जैंग चैंग के डैड से मिलने आए होते हैं। वो बार बार चैंग के डैड से माफी मांग रहे होते हैं अपनी गलती के लिए। उस चैंग के डैड उसे मना कर देते हैं कि ऐसा मत करो। फिर हम देखते तभी वहाँ पे चैंग ली का आवाज आता है जिसे सुनकर जियांग डर जाता है, वो छुपने लगता है जहाँ तहाँ। चैंग के डैड भी उसको हेल्प करते हैं, वो चैंग ली को इधर उधर ध्यान भटकाते हैं जिसकी वजह से जैंग वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं याकू के दिमाग में बहुत खतरनाक आइडिया चल रहा था। जिस मुजरिम को वो पकड़वाया था जैंग से अपना ब्रदर को बात करने के लिए कहता है क्योंकि उसे हारने का बदला जो लेना था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग सुपर मार्केट जाते हैं जिसमे जैंग चैंग मियाँ को कंपटीशन पार्टिसिपेट लेने को कहता है, पर चैंग बोलती है कि मेरे डैड कभी मुझे परमिशन नहीं देंगे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो अपना बेटी को कभी किचन रूम में नहीं जाने देते थे क्योंकि वो अपना हाथ ना काट ले या फिर जला ना ले। वो अपने डैड के लिए खाना लेके जाती तो उसका डैड स्ट्रिक्टली मना करते इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, पर हमारा हीरो चैंग उसे फॉर्म फिलअप करवा के सबमिट करवा ही देता है। वो चाहता था कि कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे, जिस पर जैंग बोलता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। यह सुनकर चैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। चैंग चैंग मियाँ ऊपर घर जा रहे थे तभी वहाँ पे गुंडे लोग आ जाते हैं जो मुजरिम का पापा रहता है और वो उसका बोलता है कि तुम मुझे पहचाने कि नहीं पहचाने। चैंग ये सुनकर तो बहुत ज्यादा डर जाती है। ये वाला पार्ट हमारा यही खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय सारंगे।